अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ जी हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और मेरी दुआ है जी आप हमेशा ठीक रहें। और आपके प्यार का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे व्यू देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज की मेरी वीडियो है जी कापाडोसी। हम अभी निकले हैं सोगत से, अर्तुल गाजी के शहर से, और हम सीधा जा रहे हैं कापाडोसिया। तो मेरी आज की वीडियो कापाडोसिया के बारे में होगी, और एंड तक वीडियो लाजमी देखें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कापाडोसिया का जो व्यू है, जो कापाडोसिया की जो वीडियो है, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इसके लिए रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें, और हमेशा की तरह आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी एंड पे करना। और चलें इंशाल्लाह मिलते हैं इसी वीडियो में आपके साथ मज़ीद आगे, तो चलते हैं। हाँ जी, फाइनली हम पहुंच गए यहाँ कापाडोसिया में, और ये लिखा है हेलन केव रूम हमारा इधर ही है। तो चले आपको अंदर से व्यू भी दिखाते हैं इसका। बाहर से तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ है, और बर्फ़ भी बहुत पड़ी हुई है, देख देख के ठंड बढ़ रही है। तो ये देखें ऊपर का सीन ज़रा, लाइट बर्फ, क्या बात है माशाल्लाह। हाँ जी, इन्होंने नीचे हमारे पासपोर्ट स्कैन किए, स्कैन करके इन्होंने हमारा रिटर्न रखा है, और अभी हमें ऊपर लेके आए हैं। तो यहाँ से आप देखें व्यू, केस जो रूम बने हुए हैं जी। फ्रेंड हमें मिल गई हैं जी कीज़ अपने रूम की, जो रिसेप्शन है वो बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे है, और ये सेकंड फ्लोर है, और हमें मिला है थर्ड फ्लोर। और ये जो एरिया है, हमें बताया गया है कि सुबह ब्रेकफास्ट इस एरिया में होगा। तो ऊपर का थोड़ा व्यू देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, हल्की हल्की लाइट ने लगाई हुई है, और हल्की हल्की बर्फ, क्या ही बात है। चले आपको अपना रूम विजिट कराता हूँ। ये इन्होंने बाहर थोड़ी प्यारी सी जगह बनाई हुई है, जिधर बैठ सकते हैं, दिन को धूप सामने से अच्छी पड़ती है। ये है जी हमारा रूम, इंटर होते ही इस साइड पे वॉशरूम है, केव होल्डर का वॉशरूम, ये नहाने की जगह है, इधर शीशा वगैरह लगा हुआ है, बेहतरीन है। और ये है जी हमारा बेड, दो सोफे भी इन्होंने लगाए हुए हैं, बेहतरीन इन्होंने सेटिंग की हुई है, कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं है। एक यह है कि रूम गर्म है, पहले भी इन्होंने कोई हीटर वगैरह तो मुझे नज़र नहीं आ रहा लगा हुआ, लेकिन शायद ये केस रूम है इसलिए गर्म है। हाँ जी, हमारा केस रूम आपको कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताएँ, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मज़ीद आगे वीडियो में।
हाँ जी, और आप देख सकते हैं कि ये इतना नीचे है कि तकरीबन मेरा हाथ पहुँच सकता है ऊपर, थोड़ा सा वर्क है। बहरहाल सही गर्म है, मैं बाहर से आया तो सही ठंड पड़ी है, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन अंदर आके सही गर्मी फील हो रही है, सही गर्म है, इसलिए मैंने कोट भी उतार लिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। माशाल्लाह जी, कपड़ोसिया में सुबह की अज़ान हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ थी और हर तरह से पहाड़ सा बना हुआ है, तो आवाज़ ऐसे गूंज रही थी ना, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। चले अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे, तो नमाज़ पढ़ के
तो गाड़ी आ जाएगी तकरीबन 7 बजे का टाइम दिया हुआ है, और फिर हम चलेंगे सीधे बालोन की तरफ।